परस्तिश कौन करेगा और इनको बड़ा तस्लीम कौन करेगा।
तुम्हारे बहन के वो उनसे कहते थे कि तुम जाकर, तुम्हें अकल नहीं है, जाकर मुसलमानों के सामने उन चीजों को खोल देते हो और तो फिर ये होगा कि वो कल खुदा के सामने वो तुम्हारे साथ झगड़ेंगे और हुज्जत कायम करेंगे कि अल्लाह इनको सब कुछ मालूम था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक भी, कुरान के मुतालिक भी, दीन इस्लाम के हकानियत के मुतालिक भी, आखिरी नबी के आखिरी उम्मत के मुतालिक भी, लेकिन ये जान बूझ कर भी ये इस किताब पर ईमान नहीं लाते थे और नबी आखिरुज़्ज़मान पर इन्होंने ईमान नहीं लाया, ये हुज्जत करेंगे। अफला ताखिलू, तुम्हें समझ में नहीं आता। अल्लाह फरमा रहे हैं कि नरे बेवकूफ हैं ये लोग, अवला यालमून अन्न अल्लाह यालमू मा युसिरून व मा युलिनून, कि अगर वो आकर मुसलमानों के सामने बता देते हैं, क्या अल्लाह जानते नहीं है क्या अल्लाह के सामने वो किन चीजों को मुसलमान इनके खिलाफ रखेंगे और कौन सी हकीकत ये लोग जान कर भी नहीं कर रहे, क्या अल्लाह को मालूम नहीं? अल्लाह को तो हर जाहिर और छुपी हुई चीजों का इल्म है, जो कुछ तुम ऐलानिया कर रहे हो अल्लाह उससे भी वाकिफ है और जो कुछ छुपा रहे हो अल्लाह उससे भी वाकिफ है। आगे अल्लाह फरमा रहे हैं उम्मीदुन उम्मीयुन ला यअलमून अलकिताब इल्ला अमानिया व इन हुम इल्ला यज़ुन्नून, और उनमें से बाज अनपढ़ थे। अनपढ़ उम्मी कहते हैं अनपढ़ को, मादरसान अनपढ़, युनसब इला लूम अइला यफहम वला यअलम, ये अनपढ़ कहते हैं। जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लफ्ज़ उम्मी था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़े लिखे नहीं थे। देखो इंसान का पढ़ा लिखा ना होना ये ऐब है, उम्मत का पढ़ा लिखा ना होना ये ऐब है और नबी का पढ़ना ऐब है। और अल्लाह ने इसकी तारीफ की दूसरी आयत से, इधर अल्लाह ताला मुतिलो कि अगर तुम पढ़ लिख लेते तो ये जो है तुम्हारे दुश्मन ये शक कर लेते तुम पर कि ये अच्छा खासा पढ़ा लिखा है। तो नबियों का कोई उस्ताद नहीं होता, अल्लाह वही के जरिए से वो गोया करते हैं, हर चीज का इल्म देते हैं। आज इल्म का जो दरिया बह रहा है वो नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जात अफदसी से, लकब उम्मी था लेकिन इल्म का दरिया बह रहा है। तो उनमें से बास अनपढ़ लोग थे, वह ऐसे ही अटकल बच्चों की बातें करते थे जिनके पास कोई इल्म नहीं था और जिनके पास सिवाय गुमान के और अटकल बच्चों के कोई दूसरी बात नहीं थी, हकीकत से उनका कोई ताल्लुक नहीं। वही लुल्ली लजीन यकुन अल किताब बिअयदी सुम्म यकुन हादा मिन इंदिल्लाह यशरु बि समन कलीला और उस कौम के जो पढ़े लिखे होते हैं, जब उस मिल्लत को एक वक्त मुद्दत गुजर जाता है तो वो बिगड़ जाता है और जो अनपढ़ होते हैं उनसे अपना उल्लू सीधा करते और गलत सलत तहरीफात करते हैं दीन के अंदर और दीन की किताबों के अंदर मसाइल के अंदर। ऐसे ही यहूदियों में से यहूद और नसारा के उलमा की खराबियों को यहां पर बयान किया जाता है कि बाद उनमें से ऐसे थे जो अपने हाथों से लिखते थे किताब, चूंकि उस वक्त का तो प्रेस का दौर नहीं था, किताबें उसके हाथों से लिखे जाते थे। तो आसमानी किताबों में ये तहरीक इस तरह करते थे कि खुद लिख देते थे और ये कहते थे कि लो ये अल्लाह की तरफ से है, ये अल्लाह ही के तरफ से ही आए और उसके जरिए से वो कुछ कीमत कमा लेते थे, कुछ पैसे कमा लेते थे गलत सलत फतवे देकर। जैसे आज की उम्मत के अंदर बास खुदा के दुश्मन ऐसे भी जो उम्मत के भोले भाले और मासूम लोगों को गुमराह कर रहे हैं
और हकीकतों को छुपा रहे महज अपने पेट के साथ, तो अल्लाह ऐसे लोगों को बख्शेगा नहीं। वो यही यहूद और नसारा के उलमा के सुबरे में आते जो उम्मत को गुमराह करते थे और हकीकतों को छुपाते थे। आज भी है ऐसे पेट के पुजारी जो हलाल की कमाई ना कर करके वो कभी उलमाए हक्कानियत के उलमाए रब्बानीयीन के सामने नहीं आते, हक परस्त उलमा के सामने आकर मुकाबला नहीं करते और पीछे से अवाम को गुमराह करते, कभी शिर्क में मुब्तला करता है, कभी बिदात में मुब्तला करता है, कभी खुराफात में मुब्तला करते हैं और उसका नाम दीन से मंसूब करते हैं। तो फिर ऐसे लोगों की के लिए अल्लाह ताला ने वही ठिकाना रखा है जो इन यहूद और नसारा के वाले हैं। तो और ये कहते थे फवैलुल लजीन यकतुबून अल किताब बिअयदीहिम सुम्मा यकूलून हाज़ा मिन इंदिल्लाह लियश्तरू बिही समन क़लीला, ताकि उसके जरिए से कुछ वो रिश्वत खाए, गलत सलत मसले बताते थे और रिश्वत लेते थे, अल्लाह की आयतों को बेचते थे। वैलुल लहुम मिम्मा कतबत अयदीहिम वैलुल लहुम मिम्मा यक्सिबून, हलाकत और बर्बादी है जो कुछ उन्होंने अपने हाथों से लिखा है और हलाकत है ऐसी कमाई के लिए जो कुछ उन्होंने उसे कमाया। आगे अल्लाह पाक फरमाते हैं चूंकि यहूद और नसारा के उलमा ने बहुत सारी गलत बातें इनके जहनों में डाल दिया था, क्या चार पांच चीजें ऐसी थी जो यहूद और नसारा के उलमा ने इनके अवाम में डाल दिया था। एक कि तुम कभी जहन्नम में नहीं जाओगे, दूसरे तुम अल्लाह के महबूब हो, अल्लाह के बेटे हो, अल्लाह के चहेते हो, अल्लाह तुम्हें जहन्नम में नहीं डाले, और इस चीज को भी बतला देते कि मूसा का दीन आखिरी दीन और मूसा ने जो किताब यानी तौरेत लेकर आए हैं वो आखिरी किताब, और इसको इसके ऊपर जो अनपढ़ लोग होते थे वो तकिया और भरोसा करके बैठ जाते, और आज भी यहूद और नसारा इन्हीं चीजों को पकड़ कर रखे कि हम जहन्नम में नहीं जाएंगे और जाएंगे भी तो थोड़ी मुद्दत के लिए जाएंगे और हमारे बड़े आकर हमसे हमको निकाल लेंगे। तफसीर इब्ने कसीर के अंदर अल्लामा इब्ने कसीर ने लिखा है कि इनका ये गुमान है कि ये 7 दिन या 40 दिन रहेंगे जहन्नम में अगर गए तो, क्योंकि इनका ये गुमान है कि दुनिया की मुद्दत 7,000 साल की है और हमें अगर जहन्नम में जाना भी पड़ा तो हर 1,000 साल के बदले 1 दिन जाना पड़ेगा, ये इनके गुमान है अपना। और बाद में से कहते थे कि हम 40 दिन तक जहन्नम में जलेंगे अगर गए तो, क्योंकि हमारे जो बड़े थे जिन्होंने गांव की पूजा की वो 40 दिन उसकी मुद्दत उसी के पादाश में हम जा सकते हैं फिर हम निकल जाएंगे। तो इनके उलमा इनसे क्या कहते थे, वकालु लन तमस्सना नार इल्ला अय्याम मादूदा, कि हम गिने चुने दिन के लिए जहन्नम में जाएंगे। सबसे पहला तो तसव्वुर ये है कि हम जाएंगे अगर गए तो चंद गिने चुने गिने चुने दिन के लिए 7 दिन या ज्यादा से ज्यादा 40। नसारा के यहाँ फिदिया चलता है और वो ये समझ बैठे हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम जो उनके गुमान के मुताबिक फांसी पर चढ़ा दिया गया, जब वो फांसी पर चढ़ गए तो हमारे गुनाहों का वो कफारा बनकर चले गए, अब हम जो चाहे करें हमें जहन्नम में जाना ही नहीं, उनका ये तसव्वुर है। और इससे निडर होकर वो अपनी मन चाही ऐशो इशरत की जिंदगी जीते। तो मोमिन जो होता है वो अल्लाह के अजाब और जहन्नम से उसके खौफ से निडर नहीं होता बल्कि हमेशा डरता रहता है। मोमिन को अल्लाह का खौफ हमेशा सताता रहता है, जहन्नम की आग हमेशा सताती रहती है कि कहीं मेरा ठिकाना इसमें से ना हो या कहीं मेरे किसी मामूली खता पर अल्लाह मेरी पकड़ न करे, ये मोमिन की सिफत। और अब जहन्नम में जाएंगे नहीं, अब जन्नती है, ये सिफत किसकी है, यहूद और नसारा की सिफत। ये वो कहते थे उनकी सोच थी कि हमारे बड़े हमें बचा देंगे, किसी को कोई नहीं बचा सकता, अल्लाह का फजल जिस पर हो उसके आमाल के एतबार, अल्लाह जिस पर रहम कर दे, अल्लाह जिस पर फजल कर दे वही जन्नत में जाएगा जहन्नम से माफ। और जो इस्लाम ही नहीं रखता अपने अंदर तो फिर उस पर रहम करम का सवाल ही नहीं है।
तो अल्लाह फरमाते हैं कुल तसस्सुम इंदल्लाह याद वला युखलिफ अल्लाह वअदहु अन तकुलून अल्लाह मा ला तअलम। कि तुम जो ये कह रहे हो इनसे कि जहन्नम के अंदर अगर जाओगे तो थोड़ी मुद्दत के लिए गिने चुने दिन के लिए, क्या अल्लाह से तुमने ऐद पैमान कर रखा है कि अल्लाह से तुम्हारा कंडीशन होकर है, वादा होकर है कि हम इतने ही दिन जाएंगे और अल्लाह उसको जरूर पूरा करेंगे, या तुम अल्लाह पर ऐसी बातें कर रहे हो जिसको तुम नहीं जानते। वला मुतसवसियत वमा तबील खतियत औलाई असहाबुन नार हुम फिया खालिदून। आगे अल्लाह फरमाते हैं क्यों नहीं, जिस शख्स को उसके गुनाह, जो शख्स गुनाह करे और उसके खताए उसके गुनाह उसको घेर ले, औलाई असहाबुन नार हुम फिया खालिदून। अब यहाँ खता से मुराद बाद मुफस्सिरीन कहते हैं कि कुफ्र है, क्योंकि यहूद और नसारा ने, नबी यहूदियों ने हजरत ईसा और नबी आखिरुल ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन दोनों के दीन से एतराज़ किया और अपने ही दीन को आखिरी समझा, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी नहीं माना, तो इसीलिए ये कुफार के ज़ुमरे में आया। और काफिर जो होता है उसके लिए जहन्नम में हमेशा रहना तय, उसकी खता उसका कुफ्र उसको घेरे हुए, और कुफ्र की हालत में इंसान जब मरता है तो उसका ठिकाना हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम है। और बंदा इस्लाम में खुदा का खास नाउज बिल्ला सुम्मा नाउज मुर्तद हो गया, कुफ्र में चला गया, तो फिर जितनी भी नेकियां की होंगी, चाहे नेकियों के अंबार खड़े किए हों, नेकियों के अंबार क्यों ना खड़े किए हों, सैकड़ों हज किए हों, उमरा किए हों, बहुत बड़ा तहज्जुद गुजार और बहुत बड़ा नफलों का पाबंद क्यों ना हो, बहुत ज्यादा तस्बीहात क्यों ना करने वाला, अगर मुकद्दर हो गया अल्लाह ना करे तो भी उसके सारे आमाल जाहिर हो जाए, जब्त कर दिए जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गुनाहों से बचो, गुनाहों को हल्का ना समझो, क्योंकि जब ये जमा हो जाते हैं तो तुम्हारी हलाकत और बर्बादी का सामान बन जाता है। फरमाया कि जैसे छोटी छोटी लकड़ियां उसमें ढेर बन जाए, फिर उसमें आग लगा तो वो एक हिला नहीं तो तबाह और बर्बाद कर दो, ऐसे ही इंसान के दिल पर जब गुनाह करता है इंसान और उसके दिल पर सिया धब्बा लगते जाता है, हेड नर्वी जान बुझ कर नमाज छोड़ता है, जानबूझकर फराइज को छोड़ता है, जानबूझकर रोजों को हजम करता है, कुरान पढ़ना नहीं जानता, जानबूझकर पढ़ने से इराज करता है, नहीं सीख रहा है, मुजरिम है अल्लाह के नजदीक। और ये गुनाह जब बढ़ते 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 ये सिया धब्बा हद से ज्यादा होता है, तौबा नहीं करता, उसका दिल सिया हो जाता, फिर उसमें कोई खैर की बात असर नहीं करती, इसी को कहते हैं भला मुकसद सही है तो वहादत भी खती है, गोया इसके गुनाहों ने इसको घेर लिया है कि खैर का वजूद इसके दिल में नहीं हो रहा, तो फिर ऐसे शख्स का ठिकाना बगैर तौबा के अगर मर गया तो लार का साफ गुनाह, तो फिर हमेशा ही है जहन्नम। इसीलिए अल्लाह से डरना चाहिए और गुनाहों से बचना चाहिए। अल्लाह हम सब को मोमिनीन काबिलीन के फहरिस्त में शामिल फरमाए और गुनाहों से हमारी हिफाजत फरमाए। والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون। और जो ईमान लाए और आमाल सालेहा करे तो उसके लिए जन्नत ठिकाना है और वो हमेशा उसमें रहेंगे। एक तो ईमान खुद आमाल सालेह है, फिर उसके बाद नेक आमाल करते हैं ये और ज्यादा उसके आमाल को मजबूत करते हैं, जो अल्लाह की रजा और कुर्ब का सबब बनते हैं और जन्नत में ले जाने का मुस्तहिक बनते हैं। तो आमाले सैया से बचने की अल्लाह ताला से दुआ मांगनी चाहिए, आमाले सालेहा की अल्लाह से तौफीक मांगनी चाहिए। आमाले सैया यानी बुरे आमाल जब इंसान करता है और तौबा की तौफीक नहीं है, समझ लो कि वो खतरे में, वो अंधेरे के गड्ढे में गिरने वाला है, खुदा का खासा मौत आ गई और झटका दे दिया मौत, तो फिर उसका कोई निजात का जरिया नहीं। आगे अल्लाह ने फरमाया वही ज़ख़्ज़ना मिसाक बनी इसराइल अल्लाह ताअमूना इल्लल्लाह वबिल वालिदैनि इहसानं वज़िल क़ुर्बा वल यतामा वल मसाकीन
وقولوا للناس حسنا واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم مورزون. اللہ تعالیٰ نے تورات کے اندر بلکہ سابقہ جتنی شریعتیں اسلام میں ہو یا دوسری شریعت ہو، اللہ تعالیٰ نے یہ پانچ احکامات یہاں بیان کی، یہ ساری شریعتوں میں اس کا وجود اور سب شریعتوں میں اس کو کرنا ضروری تھا. وہ کون سے اعمال ہیں؟ کہ اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ ہی کی عبادت، توحید، شرک نہیں کرنا، یہ ہر شریعت کے اندر واجب اور لازمی اور فرض. اور دوسری چیز وہ بالوالدین احسانا، سب سے پہلے اللہ کا حقوق اللہ نے بتلایا. اللہ کا حق کیا ہے؟ کہ اللہ کے ساتھ اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. اور اس کے بعد فرمایا سب سے زیادہ حقدار اگر اللہ اور اس کے رسول کے بعد کوئی ہے تو تمہارے والدین ہیں، ان کے ساتھ اس نے سلوک کرو. اور سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ نے فرمایا باقاعدہ تربیت پورے تفصیل کے ساتھ اذا لا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا، کہ اللہ کی عبادت کرو، والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو. اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما، اگر دونوں میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو جائے، بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے یا دونوں بوڑھے ہو جائے، فلا تقل لهما اف، اف تک بھی نہیں کہنا. لفظ اف جیسا کہتے ہیں نا کہ کوئی چیز اگر ناگوار لگے اف اس سے نہیں ہوتا، یہ بھی نہیں کرنا. اور جھڑکنا تو درکنار، کچھ آواز سے بات کرنا تو درکنار. اف ولا تقل لهما اف، اف تک بھی نہیں کہنا. ولا تنهرهما، اور جھڑکنا نہیں. وقل لهما قولا کریما، نرمی سے بات کرو، اچھے انداز میں، آواز تمہاری مست ہونی چاہیے. واقفز لهما جناح الذل من الرحمة، اور عاجزی کے بازو چھپا دو ان کے سامنے. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اور پھر اتنے سارے کرنے کے بعد ان کے لیے دعائیں کرو، اللہ ان کے بڑھاپے پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں مجھ پر رحم. اتنے حقوق ہیں. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے پوچھا، اللہ جنت کا ساتھی کون ہوگا؟ جلیل القدر پیغمبر موسیٰ ہے، جلیل القدر، لاڈلے پیغمبر. کہتا اللہ جنت کا میرا ساتھی کون ہوگا؟ اللہ نے کہا کہ کوئی تہجد گزار نہیں، کوئی عالم فاضل نہیں. کہا کہ دو موسیٰ وہ فلاں دکان پہ قصی بیٹھا گوشت کاٹ رہا ہے، وہی تیرا جنت کا ساتھی ہوگا. تیرا جنت کا ساتھی وہی ہوگا فلاں قصاب. حضرت موسیٰ نے کہا کہ کون سا اس کا عمل ہے، قصی نبی کا ساتھی جنت میں کون سا عمل؟ دوڑ کر گئے حضرت موسیٰ گئے اس کے پاس، دیکھا کہ میں تو ذرا پہلے اپنا تعارف نہیں کرایا، بتایا نہیں کہ میں نبی ہوں، موسیٰ ہوں. میں نے دیکھے موسیٰ نے کہا، سوچا میں اس کے اعمال کو دیکھوں، کن اعمال کے بدولت اللہ نے اسے یہ اعزاز دیا کہ جنت میں نبی کی رفاقت اسے ملے گی. تو حضرت موسیٰ گئے اس قصی سے، گئے اس کو دیکھے کہ یہ گوشت کاٹا، اور شام کے وقت جب گھر جانے لگا اسے کہے کہ میں مسافر ہوں، تیرے گھر ایک دن خیام کرنا چاہ رہا ہوں. تو انہوں نے کہا جاؤ. اب جب گئے اس کے اعمال پر نظر رکھی، جاتے ہی گوشت کی صاف کیا، آٹا گوندا، روٹی بنایا، سالن پکایا، اور شوربے میں روٹیوں کو توڑ کر نرم کیا. اس کے بچے بھوک سے بھی ملا رہے، بچوں کی طرف توجہ نہیں کیا. گیا دوسرے کمرے میں، ایک بوڑھی عورت لیٹی ہوئی ہے جو اٹھ نہیں سک رہی ہے، بول نہیں سک رہی ہے، وہ اس کی ماں ہے. اس کو توڑ کر لقمہ اس کے منہ میں کھلایا، جب پورے طور پر وہ کھا گئی پھر اس کے بعد آ کر اپنے بچوں کو کھلایا. حضرت موسیٰ نے
उससे पूछा कि ये कौन है। कहा ये मेरी बूढ़ी माँ है जो कई दिनों से इसी तरह बीमार है और मजबूर मासूर है, उठ बैठ नहीं सकती, अपने हाथों से खा नहीं सकती। मैं सुबह सुबह दुकान जाता हूँ, गोश्त फरोख्त करता हूँ और फिर शाम में आता हूँ तो सबसे पहले अपनी माँ को खिलाता हूँ, उसके बाद अपने बच्चों को खिलाता हूँ। तो हजरत मूसा ने कहा कि जब तू खिला रहा था तो जबान से कुछ बड़बड़ाती थी, मैं देखता था हर लुकमे के बाद, एक लुकमा खाने के बाद पूरी जबान से कुछ बड़बड़ाती थी। तब वो क्या बोल रही थी? तो वह खसाई हंस रहा, कहा कि मुझे ताज्जुब हो रहा है कि वो जो मेरी माँ मुझे हमेशा ये दुआ देती कि अल्लाह जन्नत में तुझे मूसा का साथी बनाए, अल्लाह जन्नत में तुझे मूसा का साथी बनाए। हजरत मूसा ने कहा बस यही मामला है जिसको नबी की, जिसकी वजह से नबी की रिफाकत थी। ये कितना लंबा उनवान है कि जितनी भी इस पर बातें की जाएगा, वालिद को अल्लाह ने जन्नत का दरवाजा बदला है, बीच का दरवाजा। वालिद वालिदैन जितने भी बड़े गुनहगार हो जाए लेकिन औलाद के हक में जब वो दुआ के लिए हाथ उठाते हैं तो अल्लाह कबूल करता है, याद। इसी तरह शागिर्द और उस्ताद, कभी ये ना सोचना कि कोई उस्ताद इतना बड़ा मुत्तकी परहेज़गार ने ये नहीं उसके अदब ही छोड़ दे, अल्लाह इल्म से महरूम कर दे। जितना बड़ा गुनहगार क्यों ना हो उस्ताद, वो जब शागिर्द के लिए हाथ उठाता है तो अल्लाह उसकी दुआ को, बाप कितना ही बुरा क्यों ना हो जाए मगर है वो जन्नत का दरवाजा। फिखा के अंदर आता है कि बाप अगर गैर मुस्लिम है और वो कुतुब की परस्तिश करता है, बदन से कमजोर है, तो बुत खाने में उसे ले जाना तो गुनाह है लेकिन जब बुत की परस्तिश कर ले तो वहां से उठाकर बेटा लेकर आता है तो भी सुनो। बाप शराबी है, शराब और गिलास उसके सामने लेकर अरेंजमेंट करना तो गुनाह है लेकिन अगर पी लेता है बॉटल को हटा देना वहां से भी सवाल। ये वालिदैन के हुक्म हैं, अल्लाह ने सेपरेट बयान किया है इसे, इनकी अहमियत का पता इससे चलता है। अल्लाह हमें बूढ़े वालिदैन की कदरदानी की तौफीक नसीब करे, वालिदैन की दुआएं जिसे भी मिली वो कामयाब हुआ है। अल्लाह हम सब के वालिदैन जो गुजर चुके हैं उनकी मग़फ़िरत फरमाए, जो बाहया थे अल्लाह उनका साया हमारे सरों पर तादर काय फरमाए। बहरहाल तो अल्लाह ताला ने यहाँ पर बनी इसराइल से कहा अपने वालिदैन के एहतराम करो, रिश्तेदारों का ख्याल करो, आइज़ा नाइब का भी उनके साथ भी उसने सलूक करो। माशरे और सोसाइटी के अंदर हमें जिनके हुकूक का ख्याल रखना है, अल्लाह ने उनको बयान रिश्तेदारियां टूट रही है आज माशरे के सड़े और गंदे होने की वजह से। वजह उसकी क्या है? हमारी अखलाकी बुराइयां हमें एक दूसरे से काट रही है, हमें एक दूसरे से अलग कर रही है। आज एक घर के अंदर के बाहर मत जाइए, घर ही के अंदर देखिए कि हमारे क्या हालात हैं। एक माँ बाप की कोख से पैदा हो औलादों में इत्तेफाक है, माशरे और सोसाइटी के अंदर दूर हो जाता है। आज के सड़ियल माहौल के अंदर हमारे आपस में ही इत्तेफाक है। अल्लाह कहता है बिल वालिदैन एहसाना वज़िल क़ुरबा, क़राबतदार रिश्तेदारों इनके हुकूक को अदा करो, इनके साथ अच्छाई और एहसान का सलूक करो, और यतामा वल मसाकीन और यतीमों के साथ मिस्कीनों के साथ उसने सलूक का मामला करो, वक़ूलू लिन्नासि हुस्ना और लोगों के साथ सलीके और ढंग से बातें करो। लोगों के साथ सलीके और ढंग से बात करो, तुर्श रवि से बात ना करो। हजरत लुकमान नसीहत करते हैं अपने बेटे को, ला तुसाहिर खद्दक लिन्नास ला तमशी फिल अर्ध मरहा, लोगों के साथ मुंह चढ़ाकर बात ना किया कर, तुर शुरू होकर बात ना किया कर, जमीन पे इतरा करना चाहिए।
وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا اور لوگوں کے ساتھ سلیقے سے بات کر. حضرت حکیم لقمان کی نصیحت کو اللہ نے قرآن کی مانند بنایا. آج سامنے والا مخاطب کتنی بڑی شخصیت ہو جائے موسیٰ سے تو افضل نہیں ہوگا, اور مخاطب بیٹھنے والا کتنا ہی برا ہو جائے فرعون سے تو بدتر نہیں ہوگا. موسیٰ اور ہارون کو اللہ نے کیا کہا؟ قولا لہ قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشا. جانا وہاں فرعون کے پاس نرم انداز میں بات کرنا, پھینک کر بات نہیں کرنا, دور شروع ہو کر بات نہیں کرنا, یہ بات سوچنا کہ اللہ کا دشمن ہے اس سے کیوں ایسے بات کرنا. اور یہ ہر ایک کے ساتھ ہے, یہ صرف مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہے کہ جو مسلمان مومنی کے ساتھ میں ہم اچھے انداز میں بات کریں, جو بڑے مومنی کے ساتھ میں اچھے انداز میں بات کریں, جو اپنے مومنی کے ساتھ میں اچھے انداز میں بات کریں, دوسروں کو چاہے جیسے چھڑک کے پھرگا دیں. اللہ کو یہ ادا پسند نہیں, اللہ کو یہ بندہ پسند نہیں ہے. یہود و نصارہ کے ساتھ بھی اللہ کیا تعلیم دے رہے, نرمی سے بات کرو. لو كنت فظا غليظ القلب لانفصوا من حولك. اللہ فرماتے ہیں کہ محمد جو دیکھ رہے ہو صلی اللہ علیہ وسلم, جو دیکھ رہے ہو تمہارے پاس صحابہ بیٹھے نا, اگر تم سخت دل ہوتے تو شروع ہوتے تمہارے زمان میں نرمان کی نہ ہوتی, تمہارے قریب بھی نہیں لگتے. یہ نبی کے صفت اعلیٰ میں سے ہے کہ قولوا للناس حسنا, سلیقے سے لوگوں سے بات کرو, نرمی سے بات کرو. یہ نہیں کہ تمہاری بات کو سن کر کوئی کہے کہ مجھے گالی دے رہا ہے یا بات کر رہا ہے. حضرت طلحہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت عطا رضی اللہ تعالی عنہ سے کہتے ہیں کہ آپ کے پاس کیا فاسد لوگ بھی آ کر بیٹھتے ہیں؟ فاسد العقیدہ لوگ جو گندے عقیدے رکھتے ہیں, گندی ذہنیت کے لوگ, غلط لوگ, گنہگار لوگ, ایسے لوگ آ کر بیٹھتے ہیں, آپ کچھ نہیں کہتے, آپ کو کچھ نہیں کہتے, ایسی بات کرتے. میرے پاس تو آتے ہیں تو میں اپنے مزاج میں تیز ہوں, تیزی ہے میرے مزاج, میں برداشت نہیں کرتا ہوں کیونکہ ان کی عقیدہ خراب ہے, بلا دے. حضرت عطا نے کہا نہیں, کبھی نہیں ایسا کرنا. قولوا للناس حسنا, اللہ نے نہیں بیان کیا, نرمی کے ساتھ, نرمی کے ساتھ بات کرو لوگوں کے ساتھ, نرمی کے ساتھ, سلیقے کے ساتھ بات کرو, ڈھنگ سے بات کرو. یہ اللہ کے بندے, اللہ کے مخلوق ہیں. اللہ اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے, اللہ اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے, اور اللہ کی خیرت اس وقت آ جاتی ہے جب ہم کسی کو اپنی باتوں سے ہو, اپنے انداز سے ہو, اپنے کیریکٹر سے ہو, اپنے نیچر سے ہو, اس کو گراتے ہیں تو اللہ حیرت میں آ جاتا ہے, برداشت نہیں ہوتا اللہ کو یہ چیز. اور یہ اللہ کے تکبر کی چادر پہ ہاتھ مارتا ہے, اور اللہ کہتے ہیں اللہ کی بریا ہوگی, خبردار خبردار, تکبر میری چادر ہے اگر اس پہ ہاتھ مارنی. تو انسان کو چاہیے کہ لوگوں کو اپنی نظروں میں گھٹیا نہ سمجھے. اللہ کا ہر بندہ قیمتی ہے, اور خاتمہ بالخیر کا اللہ سے دعا کرے, میری یہ نماز, میرے یہ دینی اخلاق اور میری یہ دینی صفتیں میرے موت تک قائم رہیں, یہ دعا کرے کہ اللہ کلمہ طیبہ پر میرا خاتمہ کر دے. اصل تو اعتبار خاتمے کا ہے. میں نے حدیث نہیں پڑھی تھی, اللہ کے نبی نے فرمایا باقی بھی اعمال, اعمال میں جلدی کرو, وقت ایسا آئے گا صبح کا مومن شام کو کافر ہو جائے گا, شام کا مومن صبح کو کافر ہو جائے گا. ہم نے گارنٹی لے رکھی ہے تو پھر کسی کو کیوں بتا رہا سکتا. اللہ کو یہ چیز بالکل پسند, اپنے اعمال کی اصلاح. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اقیم الصلاۃ واتو الزکاۃ, نمازوں کو قائم کرو, زکات ادا کرو. ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم معرضون, اور فرمایا پھر بھی ان ساری چیزوں کو جو کچھ بھی اللہ نے حکم دیا کہ اللہ کی
तौहीद में शरीक ना करो, वालिदैन के साथ, रिश्तेदारों के साथ, ऐसा गरीब के साथ, यतीमों और मिस्कीनों के साथ अच्छाई का एहसान का मामला करो, और इसी तरह लोगों से सलीके से, ढंग से, नरमी से बात करो। इन सारी चीजों पर भी इन्होंने अमल नहीं किया इन बनी इसराइल ने, इसमें से बहुत थोड़े लोग ऐसे थे जिन्होंने अमल किया और असर इनमें से ऐसे थे जिन्होंने पहले ही की तरह इलाज कर दिया। तो अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह ताला नबी वाली सीरत को हम सबको अमल करने की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपनी जिंदगी में मुजीजत करने की अल्लाह तौफीक नसीब फरमाए और उसी के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। बिस्मिल्लाह।